खन्ना दे मलोह रोड ते रहण वाला सनी कुमार जो कि करीब 1.5 साल पहला MBBS करन यूक्रेन गया सी, घर वापसी लई सरकारी मदद की उड़ीक कर रहा है। सनी कुमार ने वीडियो कॉल राही यूक्रेन दे हालात दसे। इस दे नाल ही यूक्रेन च फसे कुछ विद्यार्थियों ने रोमानिया पुजन ते राहत महसूस की अते वीडियो कॉल राही दसिया कि वह खतरे तो बाहर हैं। क्या नाम है आपका? छोटेला। कौन है यूक्रेन में आपका? बेटा मेरा। कब से गया हुआ है? 18 महीना हो गया। तो अब कैसे हालात वहाँ? ठीक है, अब तो पहले तो खराब था, हूँ तो ठीक है, जो दूसरे देश में चल गया ठीक है। तो कौन सी स्टडी करने गया? डगडरी का MBBS। तो अब क्या बता रहे हैं? देखिए टिकट नहीं मिल रहा अभी, देखो टिकट कम, उनका फ्लाइट हो जाए, आज हो जाए, कल हो जाए, मैंने हो जाएगा कल तो 100% बता रहे हैं। जैसे वहाँ के हालात ख़राब थे तो आपको डर नहीं लग रहा था? डर तो 2-3 दिन तो बहुत डर थे, अब दूसरे देश में चले गए, अब तो कुछ ठीक है। पहले तो 2-3 दिन तो बातें नहीं हुई उनसे, हफड़ा डबरी था, इधर उधर भाग रहे थे, उनसे बातें नहीं हो रही थी। फिर वहाँ से दूसरे देश में गए, फिर वहाँ से बात चल हो रही है, 2-2 घंटे में बात हो रही है उनसे। तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं देखिए कल चाहे आज फ्लाइट हो जाए चाहे कल फ्लाइट हो जाएगा। एक ये बोला जा रहा था कि इंडियन एम्बेसी की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा। नहीं नहीं, सपोर्ट तो पूरी इंडिया तरफ से मिल रही है अपनी। क्या हालात क्या हैं वैसे अब वहाँ के? सर फिलहाल तो यहाँ तो सही है सर, जहाँ हम लोग रोमानिया हैं, रुके हुए रोमानिया, जहाँ पर ये होटल वगैरह में रखा गया है, और फिलहाल यहाँ के लोग भी सर सही है वैसे, यहाँ के खाना पीना भी टाइम पर मिल रहा है और सब चीज़ सही है। और आज हमने इंडियन एम्बेसी से बात की हुई है, उन्होंने बोला है कि शायद कल आज भी ज़्यादा चांसेस है, कल हो जाएगी कुछ ना कुछ फ्लाइट का अपडेट हो जाएगा शायद शाम तक, नहीं तो कल सुबह तक बता रहे हैं तो कुछ ना कुछ होगा फ्लाइट। कितने लोग हैं आपके साथ वहाँ पे? ना तो रोमानिया में तो वैसा हमें कुछ दिक्कत नहीं हुआ सर, बट वो जहाँ हम लोग वहाँ 26 तारीख को वहाँ का थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही था सर, उन्होंने इंडियन के साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम था, वहाँ हमने जाने नहीं दिया सर बॉर्डर। तो गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल रही है वहाँ पे? ये तो नहीं बोल सकता कि सर ये जो अरेंजमेंट किया इंडियन एम्बेसी ने किया कि यहाँ के लोगों ने किया, क्योंकि अब मुझे जहाँ तक थोड़ा लग रहा है कि कुछ यहाँ के लोगों ने हेल्प किया हमारा, और बहुत ज्यादा यहाँ के लोगों ने सपोर्ट किया है हमें, और कुछ इंडियन एम्बेसी ने भी हेल्प किया, ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि इंडियन एम्बेसी ने हेल्प नहीं किया हमारा, बट उन्होंने भी हमारा हेल्प किया, बट यहाँ के लोग थोड़े ज्यादा अच्छे हैं और यहाँ के लोगों ने भी हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और हेल्प किया सर। तो सपोर्ट हर टाइम पर आधे आधे घंटे पर आ रहे हैं, और ये लोग खुद हमसे पूछ रहे हैं कि आपको अगर किसी चीज़ की जरूरत है या नीड है तो आप हमें बोलिए, आई विल हेल्प यू ऑलवेज। तो ऐसा ये लोग हमेशा आके बोल रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। साढ़े सब्जी मंडी के छोटे लाल जी ने उन्होंने बेटा यूक्रेन के MBBS कर गया, इन्हों का 26 फरवरी रात को मेरे ने संपर्क होया, 27 फरवरी तो लगातार मैं इन्हों के बेटे सनी के नाल इन टच हाँ। पहला हो यूक्रेन के होस्टल के उत्थे उन्हें जो मैंने व्यथा दसी तो वह पोलैंड बॉर्डर के उपर गए, लगभग 100 बच्चे गए थे पोलैंड बॉर्डर के उपर, यूक्रेन के फौजियों ने उन्होंने वापस भेजता, वो वापस पैदल अपने होस्टल गए, -7 डिग्री टैंपरेचर के उन्होंने पैदल अपने होस्टल वापस जाना पाया। उस तो बाद मैं लगातार उन्हें संपर्क से मैं अपने जी इंडियन NGOs ने प्लस अपने साड़ी BJP की स्टेट हाईकमांड आ प्लस साडे जे मीनाक्षी लेखी जी विदेश मंत्री आ उन्होंने PA मिस्टर पांडे उन्होंने ना संपर्क किया, तो उन्होंने जिस तरह करके भी बॉर्डर तक बचाया जाए आखिर। तो फिलहाल हम लोग यहाँ होटल में रुके हुए हैं और यूक्रेन छोड़ चुके हैं, बॉर्डर छोड़ चुके हैं, रोमानिया के अंदर इंटर कर चुके हैं, एयरपोर्ट के 40 किलोमीटर पीछे हमें एक शेल्टर मिला हुआ है और यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, खाना पीना सही मिल रहा है। और यही बात को लेकर मैं इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एम्बेसी सबको मैं थैंक्सफुल करना चाहता हूँ कि इजिली हम लोग पास कर चुके हैं रोमानिया बॉर्डर को और हम लोग को अच्छे से शेल्टर मिला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को बस एक फ्लाइट आएगी, कल ही की फ्लाइट है हम लोग की मे बी, तो अभी इन्फॉर्मेशन आ गई है कि कल आपको फ्लाइट मिल जाएगी। तो हम यही बोलना चाहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत अच्छी गवर्नमेंट है, इतना फैसिलिटी कोई नहीं देता, बहुत अच्छे से हम लोग इजी पैसे से पास किए हैं और इंडियन एम्बेसी बहुत हेल्प कर रही है, एक एक चीज अपडेट कर रही है कि कब आपकी फ्लाइट है, कब आपकी क्या है। खाना पीना भी बहुत सही मिल रहा है, 3 टाइम खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, और बाहर का टेम्परेचर जो भी हो बट अंदर वैसा कुछ नहीं है, हीटर लगा हुआ है अंदर में, और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। रोमानियन लोग को मैं सबसे ज्यादा थैंकफुल बोलूंगा,
कि बहुत ज्यादा हेल्पिंग नेचर है इनका, जो भी दिक्कत होती है हर टाइम टू टाइम ये लोग आते हैं और पूछते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है हमें। और जो भी हेल्पलाइन नंबर जो है इंडियन एम्बेसी की तुरंत लगा रहे हैं, तुरंत वो रिसीव कर रहे हैं, और अपने जितने भी मतलब हम लोग को कोई भी दिक्कत आ रही है उनको एक एक आंसर्स वो दे रहे हैं, एक एक हेल्प कर रहे हैं। तो इससे मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट जो है सबसे अच्छी गवर्नमेंट है। थैंक यू इंडियन गवर्नमेंट। अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एन एंड्रॉइड बेस्ड डीटीएच स्मार्ट सेटअप बॉक्स सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म। 24 घंटे लाइव देखिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर।